कुछ अच्छी आदतें और कुछ रूटीन को अगर जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए तो जिंदगी को काफी हद तक आसान बनाया जा सकता है। उसी तरह से अगर हम चाहते कि हमारा किचन क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहे तो हमें भी कुछ क्लीनिंग को अपने रूटीन में फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे ऑयल और घी के कंटेनर होते हैं जिसको हम डेली यूज करते हैं और डेली हम जल्दी जल्दी में भी रहते हैं तो इसको हम वॉश नहीं कर पाते, सिर्फ क्लीन करके रख देते हो। तो इसी तरह के बहुत सारे किचन में चीजें रहती है जिसको वीकली क्लीन करना बहुत जरूरी है और उसका एक रूटीन बना लो तो बहुत ही अच्छा है। तो इसी तरह जो ऑयल और घी के कंटेनर रहते हैं इसको भी हम वीकली वॉश करेंगे, इसको खाली कर लेंगे और वॉश करेंगे। ये देखो ये कितने गंदे हो रखे हैं, ये देखिए। नेक्स्ट हमारी जो मसाला दानी रहती है वो भी डेली यूज होती है और हम डेली काम करने में जल्दी जल्दी में रहते हैं तो इसको डेली तो वॉश करना पॉसिबल नहीं है। ये देखिए ये इस तरह से ये भी गंदी हो रही है, इसके अंदर बहुत सारे मसाले इसके अंदर, ये देखिए इस तरह से अंदर से पूरी ये सारे मसाले थोड़े थोड़े से इसमें गिर गए हैं। तो इसको भी हम डेली वॉश नहीं कर सकते तो इसको भी हम वीकली क्लीनिंग में हमें इसे शामिल करना चाहिए। इसी तरह जो हम किचन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी रैक यूज करते हैं उसको भी वीकली क्लीन करना चाहिए। ये देखो ये भी दिख रहा है कि इधर से ये पूरा गंदा हो रहा है तो इसको भी वीकली क्लीन करना चाहिए। इस तरह की जो हमारी वेजिटेबल बैग रहती है जिसको हम जिसमें हम वेजिटेबल स्टोर करके फ्रिज में रखते हैं तो उसको भी हमें वीकली तो क्लीन करना ही चाहिए। ये देखो ये इस तरह से ये कितनी गंदी हो रही है, इसको अगर हम वीकली क्लीन करके अच्छे से धूप में सुखाएंगे तो ये साफ की साफ रहेगी। इसी तरह जो हमारी कटलरी ट्रे होती है, जो हमारी कटलरी ट्रॉली होती है जिसमें हम सारे स्पून वगैरह जो स्टोर करके रखते हैं उसको भी हमें वीकली क्लीन करते रहना चाहिए क्योंकि डेली में हम यहाँ से सारी चीज उठाते हैं रखते हैं तो ये भी बहुत गंदी हो जाती है। इसके लिए भी इसको पूरा खाली करके अच्छे से हमें क्लीन करना चाहिए। इसके नीचे जो लाइनर बिछाया हुआ है ये लाइनर पे सारी गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो इसको अच्छे से निकाल के क्लीन करना चाहिए वीकली। अगर वीकली क्लीनिंग की रूटीन किचन की हमने बना ली तो हमारा किचन क्लीन रहेगा। इसको पूरा साफ करके पूरा खाली करके अच्छे से क्लीन करके उसके बाद ही हम इसमें सारी स्पून्स रखेंगे। नेक्स्ट हमारे किचन में जो चिमनी लगी रहती है वो जब भी हम खाना बनाते हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी बहुत सारा ऑयल जमा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑयल जमा हुआ दिख रहा है तो इसको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत जरूरी है तो ये चिमनी को भी हम वीकली क्लीन करेंगे। ये देखिए ये सारा यहाँ पे ऑयल जमा हुआ दिख रहा है तो इसकी भी हम क्लीनिंग करते हैं। उसी तरह से जो चिमनी का टॉप है वहां पे भी बहुत सारी डस्ट इकट्ठी हो जाती है तो इसको भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। फिर जो हमारा फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर जो टॉप है उसको भी हमें क्लीन करना चाहिए, उसके ऊपर भी बहुत सारी डस्ट इकट्ठी हो जाती है। और फिर किचन में जो हमने इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर रखे हुए हैं या तो और कोई सी भी जो डेकोरेटिव आइटम्स रखी हुई है उन्हें भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत जरूरी है। ये जैसे हमने ये ट्रे रखी है तो ये ट्रे के अंदर भी बहुत सारी डस्ट जमा हो जाती है। ये आर्टिफिशियल फ्लावर है इसके अंदर भी बहुत सारी डस्ट इकट्ठी हो जाती है, इसको भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारे किचन कैबिनेट होते हैं उसके ऊपर इस तरह के हैंडल या तो फिर प्रोफाइलर लगे रहते हैं उसके अंदर भी ये देखिए इस तरह से गंदगी इकट्ठा हो जाती है, ये यहाँ पे दिख रही है।
यहाँ पे मैंने रोटी बनाई तो वो रोटी का जो आटा है वो सारा यहाँ पे उड़ के आ गया है और उसके बाद बहुत सारी डस्ट भी आ जाती है, तो इसको भी हम क्लीन करेंगे। उसके बाद ये जो ऊपर का इसका हिस्सा है उसको भी हम जल्दी जल्दी में काम करते रहते हैं, हमारे हाथ कभी गीले होते हैं या तो कभी ऑयल के या तो और भी कुछ चीज रहती है जो इसके ऊपर लग जाती है तो फिर वो गंदे धब्बे दिखते हैं। किचन कैबिनेट में ये इस तरह के ग्लास रहते हैं तो इसको भी ग्लास क्लीनर से हम क्लीन करेंगे। तो फिर चलिए जल्दी से इन सब चीजों की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्मल जो हमारा बर्तन साफ करने का स्क्रबर आता है उससे ही ये बहुत आसानी से क्लीन हो जाते हैं। ये जो हमारी वेजिटेबल बैग से इसको मैंने नॉर्मल डिटर्जेंट के अंदर पानी डाल के थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए मैं इसको सोक करके रखूंगी तो ये आसानी से क्लीन हो जाएगी। अब 10 मिनट्स हो गए हैं, अब हम इसको ऐसे करके वॉश कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये इन सबको मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिया है, अब मैं अच्छे से इनको सूखने दूंगी। चिमनी के ऊपर जो प्लेट्स लगी रहती है उसमें बहुत सारा ऑयल इकट्ठा हो जाता है तो इसको एक बकेट में नॉर्मल डिटर्जेंट और थोड़ा सा विनेगर या तो फिर नींबू का रस डाल के हम इसको 20-25 मिनट्स के लिए इसमें भिगो के रखेंगे, या तो फिर जो डिश लिक्विड होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, उसको भिगो के रखेंगे। उसके बाद अच्छे से जो नॉर्मल ब्रश या स्क्रबर रहता है उससे हम इसको क्लीन कर लेंगे। अब गीले कपड़े से मैं ये जो सारे कैबिनेट से इनको मैं क्लीन कर लूंगी। गीले कपड़े को अच्छे से निचोड़ के फिर उससे क्लीन करो तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। उसी तरह चिमनी के टॉप को भी मैं गीले कपड़े से ही क्लीन कर लूंगी। कैबिनेट के ग्लास को किसी भी ग्लास क्लीनर से मैं क्लीन कर लूंगी, इसी तरह पेपर नैपकिन की हेल्प से बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाते हैं। ये फ्रिज का टॉप पूरा मैंने एम्प्टी कर लिया है और इसको भी मैं अच्छे से गीले कपड़े से साफ कर लूंगा। इसी तरह फ्रिज का फ्रंट भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूंगी। ग्लास क्लीनर की हेल्प से भी हम फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं। देखिए 20 से 25 मिनट के बाद इसको अच्छे से नॉर्मल स्क्रबर से इस तरह से स्क्रब करने के बाद इसे अच्छे से ये साफ हो गई। अच्छे से पूरी चमक गई है ये। ये भी थोड़ा सा
ऐसा स्क्रबर करना है इससे अच्छे से क्लीन हो रही है। ये देखिए कितने अच्छे से ये चिमनी की प्लेट्स क्लीन हो गई है। अब इसे अच्छे से ड्राई करने के बाद ही चिमनी में लगाएं और क्लीनिंग करने में मेरा बेटा भी मुझे हेल्प कर रहा है। तो मेरी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है और ये देखिए क्लीनिंग करने के बाद मेरा किचन चमक गया है, एकदम क्लीन क्लीन दिख रहा है। क्लीनिंग करने में थोड़ी मेहनत तो लगती है बट उसके बाद का रिजल्ट देखते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए ये वेजिटेबल बैग भी सूख के बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कुछ भी क्लीनिंग मोटिवेशन मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।